सांसद स्वाति मालीवाल के कथित पिटाई कांड में दिल्ली पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन करने सीएम हाउस पहुंची। यहां पुलिस अपने साथ प्रिंटर लैपटॉप लेकर पहुंची। कुछ देर बाद दिल्ली पुलिस की टीम यहां से सीसीटीवी का डीवीआर अपने साथ लेकर बाहर आई। दरअसल कल ही पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज ली थी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक घटना के वक्त का फुटेज नहीं मिला। पुलिस ये भी कह रही है कि विभव कुमार जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। इससे पहले शनिवार को दिल्ली पुलिस की ओर से पेश अतिरिक्त अभियोजक अतुल श्रीवास्तव ने विभव कुमार की हिरासत पर बहस करते हुए कोर्ट को बताया, हमने डीवीआर मांगा, ये पेन ड्राइव में दिया गया, फुटेज खाली पाई गई, पुलिस को आईफोन दे दिया गया लेकिन अब तक आरोपी पासवर्ड नहीं बता रहा, फोन को फॉर्मेट कर दिया गया। अपर लोक अभियोजक ने कहा कि आरोपी घटनास्थल पर मौजूद था। दिल्ली पुलिस को आशंका है कि सीसीटीवी से छेड़छाड़ की गई है। देखिए, मेरा ये मानना है कि एक जांच एजेंसी को न्यूट्रल होना चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए। पहले दिन से जो झूठी खबरें दिल्ली पुलिस द्वारा प्लांट की जा रही हैं, इससे साफ हो रहा है कि वो भारतीय जनता पार्टी के चुनाव का नैरेटिव बनाने का काम कर रहे हैं। मसलन सिक्योरिटी एरिया के अंदर आने जाने के जो सीसीटीवी कैमरा लगे हैं वो पीडब्ल्यूडी के अधीन होते हैं, और दिल्ली पुलिस कल ही वो सारे के सारे सीसीटीवी के 2 डीवीआर ले जा चुकी है, सब कुछ ले जा चुकी है, उसमें कोई टेम्परिंग नहीं है, सारा डेटा मौजूद है, मगर उसके बावजूद ये झूठ बोला जा रहा है। और आज तो मुख्यमंत्री के आवास के अंदर के सीसीटीवी कैमरा, जो कि प्राइवेट सीसीटीवी कैमरा है, उनको भी ले गए हैं और कोई डिलीशन नहीं है, कोई टेम्परिंग नहीं है, सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे दिल्ली पुलिस काम कर रही है। चाहे एफआईआर हो, 354 की एफआईआर हमेशा से कॉन्फिडेंशियल होती है, मगर दिल्ली पुलिस ने वो सबको बांट दी। 100 नंबर पे कंप्लेंट की डायरी एंट्री के अंदर जो लिखा जाता है वो भी कॉन्फिडेंशियल होता है, वो भी दिल्ली पुलिस द्वारा सबको बांटा गया। क्यों? क्योंकि परसेप्शन खराब करने की कोशिश की जा रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक मामले की आगे जांच के लिए दिल्ली पुलिस 5 दिन के रिमांड के दौरान विभव कुमार को मुंबई ले जा सकती है। आरोप है कि विभव कुमार ने वहां फोन को फॉर्मेट किया। पुलिस को उम्मीद है कि शायद विभव ने फॉर्मेट करने से पहले फोन का डाटा डंप किया हो। मुंबई में जिस जगह फोन को फॉर्मेट किया गया वहां जाने पर डंप किया गया डाटा मिल सकता है। पुलिस के मुताबिक अगर कुछ छिपाना ना हो तो आमतौर पर फोन फॉर्मेट करने से पहले लोग डाटा सेव करते हैं। हालांकि पुलिस फॉरेंसिक एक्सपर्ट की मदद से डेटा रिकवर करने की कोशिश करेगी। इसके अलावा विभव को क्राइम स्पॉट यानी सीएम आवास भी ले जाया जाएगा, जहां उसकी कोशिश मारपीट की वजह जानने की है। बता दें कि स्वाति मालीवाल ने जो एफआईआर दर्ज की थी उसके मुताबिक सीएम अरविंद केजरीवाल से मिलने वो 13 मई को सुबह उनके घर पहुंची। सबसे पहले वो सीएम के कैंप के ऑफिस में गई। इसके बाद उन्होंने सीएम के पीए विभव कुमार को कॉल किया लेकिन उनकी बात नहीं हुई। उन्होंने विभव के मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज भी भेजा लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। इसके बाद वो हमेशा की तरह मेन दरवाजे से होकर सीएम केजरीवाल के घर में चली गईं। वहां उन्हें ड्राइंग रूम में बैठने को कहा गया और बताया गया कि मुख्यमंत्री घर पर ही मौजूद हैं और वो जल्द उनसे मिलने आएंगे। लेकिन इससे पहले कि सीएम उनके पास आते, उनके पीए विभव कुमार धक्के के साथ कमरे में घुस आए और बिना किसी उकसावे के गाली गलौज करने की शुरुआत कर दी। यहाँ तक कि बगैर किसी उकसावे के उन पर हमला किया और उनके साथ मारपीट भी शुरू कर दी। उन्होंने पहले उन्हें लगातार 7-8 थप्पड़ मारे जिससे वो बुरी तरह घबरा गई और मदद के लिए चीखने लगी। उन्होंने किसी तरह अपने पैरों से विभव को दूर करने की कोशिश की।